bird. Hi friends, namaste, Ram Ram sa, Minal kitchen mein aapka swagat hai. Aaj main dal bati banane ja rahi hu. Dal bati Rajasthan ki famous dish hai. Yes, agar aap Rajasthan jaoge to wahan par aapko bahut sare dhabe bhi dikhenge raste par. जिसमे एक मस्त खटिया लगा रहेगा. हर एक प्लेट में आपको दाल बाटी ही मिलेगी और बहुत ही फेमस है जैसे घी छुरमा एंड सो मेनी थिंग्स. स्पेशली वहाँ पर ढाबे पे जाओ और खटिए पर बैठकर आराम से खाओ ठंडी हवा का आनंद लेते हुए. इट्स रियली वेरी टेस्टी और उनका जो टेस्ट है बहुत ही दिलचस्प बहुत ही टेस्टी रहता है. सो आज मैं उसी स्टाइल में दाल बाटी बनाने जा रही हूँ एंड डेफिनेटली यू विल लव दिस रेसिपी. आई विल नॉट से दैट यू जस्ट टेस्ट एंड जस्ट टेल मी, यू विल डेफिनेटली लव दिस रेसिपी. सो आई होप यू विल लाइक एंड यू जस्ट इंजॉय विद दिस रेसिपी विद दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन एंड जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू. दाल बनाने के लिए मैंने तुअर दाल लिए 1/2 कप, मूंग की दाल छिलकों वाली 1 कप, धुली हुई मूंग की दाल 1/2 कप, उड़द की दाल 1/2 कप, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून और नमक स्वादानुसार. तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें हम सारी दाल मिक्स कर लेंगे. यस, और ये मिक्स दाल ही अच्छी लगती है दाल बाटी के साथ. और इसमें हम चने की दाल भी डाल सकते हैं, बट उसके लिए उसे थोड़ा भिगोना पड़ता है. आधे घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हो उसको. और अब हम इसे धो लेंगे एकदम अच्छे से. ये हमने दाल धो ली है, अब हम इसे एक कुकर में डाल देंगे और उसमें लगभग 1.5 ग्लास जितना पानी डालेंगे और हल्दी नमक दोनों मिक्स कर लेंगे और उसे बॉईल होने देंगे. हमने अभी फुल फ्लेम पर रखा है. 1 सीटी आने के बाद हम फ्लेम स्लो कर देंगे और उस पर 2 सीटी आने देंगे. और ये जब तक बॉईल होगा, हम दाल जब तक बॉईल होगी, हम बाटी का आटा लगा देंगे. और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस प्रकार है. पानी लिया है 1 से 1.5 ग्लास, आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे. घी लिया है 1 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, जितनी ली है दूध की मलाई, अजवाइन मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है और 4 कप जितना मैंने आटा लिया है गेहूं का. ये 4 लोगों के लिए बनेंगे दाल बाटी. बर्तन लेंगे जिसमें हम दाल बाटी का आटा बांधेंगे, उसमें हम आटा और सारे इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे और पानी हमको धीरे धीरे ऐड करना है. और ये थोड़ा आटा कड़क ही बांधना है, उसको एकदम सॉफ्ट नहीं बांधना है, पूरे के आटे के जैसे बांधना है. और इससे अगर थोड़ा सा टाइट रहेगा तो भी बेटर है. पहले सारा हम मसाला मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे. और ये आटा पूरी तरह से बांध लेने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख लेंगे. ओवन को प्री हीट करेंगे 10 मिनट्स के लिए 250 डिग्री सेल्सियस और टोस्ट मोड पर. आटे की बॉल्स बनाएंगे छोटी छोटी और उसको थोड़ा चपटा रखेंगे. आप चाहो तो इसको गोल भी रख सकते हो. इसमें एक भी दरार नहीं आनी चाहिए. इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना देंगे. बाटी तैयार हो चुकी है. 10 बाटी बनी है जो 4 लोगों के लिए काफी है. हीट हो चुका है, अब हम इसमें अपनी बाटी डाल देंगे. और मैंने टेम्परेचर
250 डिग्री पर रखा है और इसको मैं 20 मिनट्स के लिए गर्म करूंगी। सो अगर आप चाहो तो इसको 15 मिनट के लिए भी रख सकते हो अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी रखा है। दाल फ्राई करने के लिए मैंने एक कटा हुआ टमाटर लिया है, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, राई और जीरा 1/4 टेबल स्पून, चुटकी भर हींग 1 टेबल स्पून जितना ऑयल, अनियन एक पूरा मैंने चॉप किया है, 3 हरी मिर्च लिए जिसको मैंने खड़ी काट ली है, थोड़े कड़ी पत्ते और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, उसको हमने ग्रेट भी कर सकते हैं। अब बॉईल हो चुकी है, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। दाल फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले गरम ऑयल में जीरा और राई डालेंगे, हींग डालेंगे, अदरक लहसुन ग्रेटेड किए हुए, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ग्रीन चिली, करी लीव, ये सब भी डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अनियन डालेंगे और ये जब थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर हमने इसमें हल्दी डाल दी है, नमक थोड़ा ही डालना है नमक हमें क्योंकि ऑलरेडी हमने दाल में डाल दिया, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लगभग 2 मिनट बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसको स्लो फ्लेम पे ही हमें गरम करना है, इसको ढककर रखेंगे 2 मिनट के लिए और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें दाल डालेंगे। इसमें लगभग 1 ग्लास जितना पानी भी ऐड करेंगे, आप चाहो तो इसमें गरम पानी भी ऐड कर सकते हो। मिक्स अच्छे से हो चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। देखिए दाल कितनी सुंदर दिख रही है कलर, इसमें एकदम अच्छे से बॉईल उबाल आ चुका है, ये बॉईल हो चुकी है दाल। इसमें हम अभी धनिया पत्ता डालेंगे, जब ऊपर झाग दिखने चालू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी दाल तैयार हो चुकी है। ये हमारी बाटी भी तैयार हो चुकी है, देखिए इसमें क्रैक्स आ चुके हैं और इसका कलर देखो कितना अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन जैसा। ये गरम गरम अब हम इसे घी में डालेंगे, याद रखिए ये गरम है तभी हम इसे घी में डालेंगे। ये देखिए ये ऊपर से थोड़ा हार्ड रहता है बट अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, और वैसे भी मैंने इसको क्रिस्पी बनाया है, और अगर आप इसको सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा कम समय के लिए गरम कर सकते हो डीज में। ये देखिए इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे और इसको घी में डिप करके निकालेंगे। अरे राजस्थान में तो बहुत सारा घी खाते हैं, इसको पूरे 2 टुकड़े करके फिर उसमें घी में डालते हैं, बट हमने इसमें बहुत ही कम यूज किया है। आप चाहो तो इसके टुकड़े करके इसके ऊपर से भी घी डाल सकते हो। सो इट लुक्स सो डिलीशियस, आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस रेसिपी। थैंक यू सो मच।